जया 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 रे अब करता था तैयार रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, अटली कुमार एक बार मैं सबको फिर से बता दूं, साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं जिसने विजय थालापति के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी हैं, लेक थेरी और मर्सेल और भी हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आप पर हावी हो जाती हैं, तो इस बंदे के ऊपर विजय थालापति का स्टाइल इतना हावी हो रखा है, इसने शाहरुख खान का मजाक बना दिया है कसम से। एक अलग एटीट्यूड, एक अलग लेवल का स्वैग है एसआरके का, लेकिन छपरी लॉन्डो वाला डांस नहीं होता है। अरे तुमने आजकल वो रील्स वायरल भी देखी होंगी, एक कोई कादरी करके है और एक दो बंदे और हैं जो एसआरके को फुल कॉपी करते हैं और एकदम छपरी लगते हैं कसम से। भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ, एसआरके मुझे जवान के अभी तक चलिया सॉन्ग को छोड़कर जिंदा बंदा और ये नॉट रमैया वस्तवैया का जो टीजर आया है आज, इसमें बिल्कुल छपरी लग रहा है ये बंदा। यार एसआरके की ऐसी धज्जियां मत उड़ाओ, ये बंदा बिल्कुल एटीट्यूड किंग है, स्वैग अलग है, रोमांस का किंग कहा जाता है ये बंदा। इसमें ये साउथ का सुपर फास्ट वाला तड़का मत डालो। दूसरी बात, जब भी गानों की बारी आ रही है, एसआरके खुद एसआरके कम लग रहे हैं, विजय थालापति की महक ज़्यादा आ रही है उनके डांस से। मतलब ये दिन आ गए कि एसआरके को विजय थालापति का स्टाइल कॉपी करना पड़ेगा। ही इज़ द ग्लोबल स्टार मैन। देखो वी ऑल नो द एज ऑफ एसआरके, ये छपरी लॉन्डो वाला डांस मुझे नहीं लगता कि सूट करता है। दूसरा ये कि मुझे अभी तक इस फिल्म के कोई गाने अच्छे नहीं लगे, बस चलिया थोड़ा ठीक ठाक लगा और जिंदा बंदा तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कई बार कि बहुत ही घटिया सॉन्ग है। दूसरा ये नॉट रमैया वस्तवैया जो कल को आना है, इसमें भी कोई दम नहीं देखने को मिल रहा है फिलहाल तो मुझे। हाँ म्यूजिक एक बार के लिए थोड़ा ध्यान खींच रहा है, लिरिक और सिंगिंग के दम पर मुझे घंटा नहीं लग रहा है कि ध्यान खींचेगा। म्यूजिक एक बार के लिए मस्त है मैं कहूँगा, और फिलहाल तो अभी 33 या फिर 30 सेकंड का जो टीजर आया है सॉन्ग का, कल ऑफिशियली ये सॉन्ग फुल तरीके से रिलीज हो जाएगा, शायद कुछ अच्छा देखने को मिल जाए शायद, वरना जिंदा बंदा की तरह ये सॉन्ग भी मुझे लग रहा है पिटते नजर आएगा। दूसरा एसआरके इस बार जबरदस्त इतना चीजों को खींच दे रहे हैं, ऐसा पठान के टाइम बिल्कुल नहीं हुआ था। जीरो प्रमोशन था लेकिन मूवी हिट कर गई थी, लेकिन इस बार प्रमोशन कर रहे हैं लेकिन चीजों को बहुत खींच खींच कर बोर कर दे रहे हैं। लाइक नॉट रमैया वस्तुया सॉन्ग के टीजर की आज जरूरत ही नहीं थी, सीधा रिलीज कर देना था, और इस टाइम पर लोग बेसब्र हैं ट्रेलर के लिए, पहले तो ये बता दूं, ना कि सॉन्ग्स के लिए। कहते हैं ना कि भूख जो है ना एक समय तक ही लगती है, उसके बाद चाहे आप सोना परोस के रख दो, फिर जब भूख मर जाती है तो इसका कोई मोल होता नहीं है। इस टाइम ट्रेलर की भूख है जनता में, और जो हाइप अब ये सेट कर चुकी है पब्लिक में, जो वाइब ये सेट कर चुके हैं ट्रेलर को लेके, बाय गॉड इतनी हाई हाइप जो लोगों में बनी पड़ी है, अगर इसे मैच नहीं कर पाए तो ये मूवी डिसास्टर होने वाली है कसम से। चलो सॉन्ग भी रिलीज करा तो ये टीजर की तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं थी यार, सीधा सॉन्ग निकालना था, लेकिन अभी भी ट्रेलर का कोई अता पता नहीं है, और पहले ही ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी बोला जा रहा है करण जौहर के द्वारा। भाई होगा तुम्हारा ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी, लेकिन जब हमने देखा ही तो हम कैसे मान लें। मतलब चीजें ना बहुत लेट लतीफ वाली होती नजर आ रही हैं। और दूसरा ये जो गाना देखकर लग रहा है एसआरके का पूरा लुक चेंज कर दिया है, स्वैग चेंज कर दिया है। भाई साहब रईस में एसआरके को देखा था आपने, वो था रियल किंग वाला स्वैग एसआरके का, एक टिपिकल मैच्योर कैरेक्टर, और सॉन्ग्स में जिस तरह के एसआरके को दिखाया जा रहा है जम नहीं रहा है ये बंदा इस बार जवान में। हालांकि मेन चार रोल हैं एसआरके के मूवी में, और लगभग 6 से ज्यादा कहो या फिर इसके आसपास कहो करेक्टर देखने को मिलेंगे एसआरके के। मुझे ना यहाँ पर लग रहा है कि अटली कुमार घजड़ मजड़ करते नजर जाएगा, क्योंकि इस जिस तरीके से एसआरके हमें सॉन्ग्स में देखने को मिल रहा है कतई नहीं जम रहे, हिंदी ऑडियंस को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है कसम से। यार आप पिछली मूवी पठान को देखो ना, क्या स्वैग है, बिल्कुल जम रहा है, और वो झूमे जो पठान में गाने में जो एसआरके हैं एकदम मैच्योर लुक, डांसिंग मूव ऑल आर अमेजिंग, और वो आइकॉनिक मूव बन गया है झूमे जो पठान में किया था। इसी के साथ बेशरम रंग सॉन्ग में क्या जबरदस्त किया है, इसी के साथ जो गेरुआ सॉन्ग आया था अलग लेवल का हाइप सेट किया था, आइकॉनिक मूव बनाया उस सॉन्ग से भी। फिर उसके बाद अगर रईस फिल्म की बात करूं तो वो जालिमा वाला सॉन्ग, भाई झूमने लग जाते हैं हमारे पैर और थिरकने भी लग जाते हैं, ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं एसआरके ने। लेकिन क्या अभी तक जवान में ऐसे कोई सॉन्ग आया है जिसने ये हाइप सेट करी हो किसी भी सॉन्ग ने? भाई मुझे तो कोई हिट नहीं करा किसी भी सॉन्ग ने अगर मैं देखूं तो। बाकी देखते हैं कल जब सॉन्ग आता है पूरा, जो आज टीजर रिलीज कराया गया है रमैया वस्तवैया का, जो नॉट रमैया वस्तवैया का, शायद रेस्ट ऑफ द सॉन्ग हिट कर जाए हिंदी ऑडियंस को, क्योंकि टीजर में जो म्यूजिक को छोड़कर, म्यूजिक को छोड़ देते हैं एक बार, और म्यूजिक में भी बीजीएम को छोड़कर रेस्ट ऑफ द टीजर आज मुझे बिल्कुल हिट नहीं करा, बिल्कुल मजा नहीं आया। बिल्कुल जिंदा बंदा वाला जो सॉन्ग आया था फर्स्ट वाला, वही वाली सेम वाइब आई है। तो वेट करते हैं कल तक का। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है कि क्या इस समय सॉन्ग को ही निकालना था या ट्रेलर की मांग थी आप लोगों को? चलो सॉन्ग निकाल भी रहे हैं तो क्या टीजर निकालना जरूरी था क्या?
फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।